गुरुजी राधे राधे, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी जो वृंदावन में आए वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा, वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा, हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में, 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आँख निकल गई है, तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम। तो लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बताओ। हाँ, और हमारी नंदा आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो अभी, आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी जी आएंगी, ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी आजकल जो सब लोग देख, मैं प्रश्नोत्तरी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाए, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा है गुरुजी, नहीं रह सकते ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का, बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो, पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे ये बोल लेते हो है ना? हाँ गुरुजी। और अच्छा है, पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं, हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं अब? अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या, बच्चे बड़े हो गए तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली विल्ली में वहीं रहते आराम से साथ। वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो भगवान सब जगह बनाए आपका घर। और गुरु जी हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे नंद से हमारी। ठीक है, बात कर लेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ गुरु जी। एकादशी करने से क्या खराब है गुरु जी? एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरु जी। क्या बोलते हैं परिवार? बोलते हैं कि आरती करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरु जी, तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया। सो बहू हमको डाइन बोलती है कि ना आप डाइन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। सो वो मूर्ख हैं, एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं, तो एकादशी करना तो अच्छा होता है। अब जैसे जो होना है वो तो जो होना है वो होना ही है। दोनों बेटा बहू अलग हो गए पूर्वी। एकादशी करते जिस दिन वो लोग चिकन बना के घर में खाते हैं गुरु जी, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत तंग करते हैं। मीराबाई भगवान की भक्ति में जुड़ी तो पूरा परिवार उनसे अलग हो गया। सबको बोले हमको भगवान के राह पर चलने वाले का साथ केवल भगवान ही देते हैं, संसार ने कभी साथ दिया ही नहीं। 2 साल से गुरु जी हम वृंदावन आने के लिए छटपट कर रहे हैं, कोई नहीं आए मेरे साथ गुरु जी, हमें बगल के एक लेडीज को साथ। आप भगवान का चिंतन करिए बस, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, मेरे बेटा ठीक हो जाए। खूब आशीर्वाद है।